भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के उन्हीं के गृह जिला सहारनपुर के देवबंद में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद पूरे देश भर में जो भीम आर्मी के समर्थक हैं वो प्रदर्शन किए और चंद्रशेखर आजाद के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग किए। लेकिन मांग जब पूरी नहीं हुई तो भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 जुलाई को सभी भीम आर्मी के समर्थकों से आने का आह्वान किया है और इस आह्वान के साथ ही सोशल मीडिया पर एक आवेदन काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। आवेदन में लिखा गया था कि जो रेल मंत्रालय है उसको आवेदन दिया गया है और जो टोल टैक्स का किराया उसका माफ़ कर दिया गया। ऐसा खबर जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था और लोग शेयर करते हुए लिख भी रहे थे कि अब तो जो रेल का किराया है वो फ्री हो गया है, जो टोल टैक्स है फ्री हो गया है और इसको लेकर जन समर्थन जनतंत्र खबर ने देखा तो उसका सहारा लेकर खबर बनाया। लेकिन अभी जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन सिंह ने इस खबर का जो है खंडन किया है और उन्होंने कहा कि जो खबर वायरल हो रही है ये जो है मिथ्या है। क्योंकि आपको बता दूँ कि फेसबुक पर पोस्ट करते हुए जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हैं वो लिखते हैं, इन दोनों जो वायरल आवेदन है उसके बारे में लिखते हैं, महत्वपूर्ण सूचना, दोनों पत्रों को ध्यान से पढ़ें, ये परमिशन नहीं है, ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन वे आजाद समाज पार्टी कांसीराम की ओर से दिए गए आवेदन है। कोई भी साथी भ्रमित न हो, अगर परमिशन मिल जाती है तो सभी साथियों को जानकारी दे दी जाएगी, सभी साथी शेयर करें। यानी इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जो विनय रतन जी वो कहना चाहते हैं कि जो ये खबर वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर कि जो ट्रेन का किराया वो माफ़ हो गया है, जो टोल टैक्स वो माफ़ हो गया है, ये बिल्कुल जो है सरासर गलत है। अभी जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह हैं उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि ये सिर्फ आवेदन मात्र है, अगर सरकार की तरफ से कोई अगर रिजल्ट आता है, सरकार रिएक्शन देती है, अगर निःशुल्क करती है तो उसके बाद जो है आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए किसी भी दिग्भ्रमित खबर के चक्कर में ना पड़े और जनतंत्र खबर जो है पिछले इस खबर को चलाया था इसलिए उस खबर का खंडन करता है और आपको जागरूक करता है कि इस तरह के खबर पे जो है ये बिल्कुल समर्थन नहीं करता है जनतंत्र खबर। और सही खबर ये है कि जो वायरल आवेदन हो रहा है सिर्फ आवेदन मात्र है, वो आवेदन में इस बात का जिक्र नहीं है कि जो ट्रेन का किराया वो फ्री कर दिया गया है या फिर जो टोल टैक्स है वो फ्री कर दिया गया है। अभी जो भीम आर्मी के जो मुखिया है चंद्रशेखर आजाद जी जो है के जो विनय रतन सिंह है उन्होंने इस ट्वीट को जानकारी करते हुए इसको लिखा है, इसलिए किसी भी अफवाह खबर में ना फैले। बाकी इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए और वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।